हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो यहाँ पे हमारा, ये हमारा अपना घर है, तो यहाँ पे हमारा ना मतलब अभी बहुत सारा काम होना बाकी है, तो धीरे धीरे करा रहे हैं हम काम, पैसे की शॉर्टेज की वजह से। यही है कि किसी से कर्ज़ा ना लें, क्योंकि कर्ज में रहना बहुत मुश्किल होता है, तो कर्ज़ा ना लें। जो होम लोन था वो तो हमारा मतलब चल ही रहा है, मतलब उसमें जितना काम होना था हो गया है। तो यहाँ पे हम ना वॉश बेसन लगा रहे थे। हमारा टॉयलेट और वॉशरूम सेपरेट है, तो यहाँ पे हम वॉश बेसन लगा रहे थे दोनों में। तो दोनों में हमने बेसिन लगाया है और धीरे धीरे अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ रहते भी नहीं हैं, मतलब घर बना ही है अभी, और तो कभी छुट्टियों में आ जाते हैं कभी कभार। तो यहाँ पे बस सफाई कर रही थी, बेसिन लग गया था, तो दिखाऊंगी आपको आगे कैसा लगा है। और ज़्यादा बर्डन लेके कोई वो नहीं है ना कि कर्जा ले लो फिर मकान पूरा करो, तो धीरे धीरे चलता रहेगा, अपना काम दिखाती रहूँगी आप लोगों को कैसे हो रहा है। तो एक तो हमारा ये बेसिन लगा है और एक लगा है ये हैंड शावर, और दिखाती हूँ आपको। और एक बेसिन हमारा ये लगा है वॉशरूम में, और एक हमने लगाया है ये कॉर्नर, एक ये कपड़े टांगने की रोड, और एक ये टावल की। तो ये काम हुआ है जिसमें हम सुबह 12 बजे से फंसे, 3 बज गए। और ये सीधे अब नेक्स्ट डे का है, तो वहाँ से आ गए थे हम शाम को, उसी दिन हमें आना था। तो ये नेक्स्ट डे का है, कपड़े वगैरह जैसा मायके से मैं आई हूँ तो बहुत सारे कपड़े थे, तो मैंने कहा चलो बैग तो मैंने रात को ही खाली कर दिया था, क्योंकि हम बाइक से आते हैं, देहरादून से हरिद्वार बाइक से आए थे, तो फिर गंदे हो जाते हैं बैग ना, तो बैग तो मैंने रात को ही खाली कर दिए थे, टेबल में रख दिए थे मैंने सारे कपड़े वगैरह। तो बस अभी कपड़ों की छंटनी कर रही हूँ, क्योंकि अब वही है, कपड़े बहुत सारे ले जाते हैं। एक महीने के लिए हम गए थे, 20-25 दिन तो रहे होंगे हम। मैंने सोचा पहले कपड़ों का काम निपटाया जाए, उसके बाद और काम किया जाए। तो बस यहाँ पे रखे जा रहे हैं कपड़े, और थोड़ा मन भी नहीं लगता है, एक तो ना मायके से आओ तो मन भी नहीं लगता है, और तो बस अपना मन भी बहला रहे हैं कपड़े वगैरह रख के। वैसे मुझे अलमीरा भी क्लीन करनी है, बट अभी फ़िलहाल ये कि कपड़ों को कपड़ों की जगह पर रख दो, क्योंकि हौच पौच हो रखा है कमरे में, और उसके बाद क्लीनिंग भी करनी है, क्योंकि इतने दिन घर बंद रहा है, तो फिर क्लीनिंग भी करनी है। तो बस यहाँ पे क्लीनिंग करी थी, और आ रहा बच्चों को मैं नहाने के लिए बोल देता, क्योंकि बच्चे नहा ही लेते हैं अब अभी, और तो बस बच्चे भी नहा रहे हैं वैसे वैसे, मतलब बड़ा वाला तो नहा लेता है, छोटा वाले को वैसे वो भी नहा लेता है। मैं ऐसे करती हूँ, एक दो दिन जैसे वो नहा लेंगे, तीसरे दिन मैं नहला देती हूँ उन्हें। तो बस यहाँ पे जाले वगैरह झाड़ रही थी, और उसके बाद झाड़ू पोछा करूँगी, क्योंकि मतलब मैंने वैसे तो जाले लगे नहीं थे, फिर भी ये होता है थोड़ा तसल्ली की, इतने दिन से घर बंद था तो जाले तो रहता है ना, इतने दिन से बंद था घर तो जाले वगैरह लगे होंगे। तो बस यहाँ पे जाले वगैरह झाड़ रही हूँ साथ साथ, और बच्चों के वैसे स्कूल था आज, लेकिन बारिश की वजह से बच्चों की छुट्टी हो गई थी, तो स्कूल भी नहीं गए बच्चे। तो बस जाले वगैरह झाड़ रही हूँ, और झाड़ू मैंने लगा ली है, अब मैं डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि वही बस थोड़ा तसल्ली हो जाएगी दिल को। और वैसे इस बार इतना गंदा नहीं था, क्योंकि बारिश हो गई थी टाइम से, तो इस बार इतना गंदा नहीं था। और रोशनदान भी जब भी हम रोशनदान खुले करके जाते हैं ना, तो ज़्यादा बारिश वो धूल वगैरह होती थी। तो बस ये भी हो गया है, और ये डस्टिंग कर लूँगी अंदर बाहर सब जगह, और ये सामान भी फैला था दवाइयाँ वगैरह, तो मैंने कहा इनको भी लाइन से लगा देती हूँ, सब की जगह पे लगा देती हूँ। ये देखो सब ना, जैसे रात को मोर्टिन भी लगाते हैं, तो ये सब दवाई वगैरह सब फैली हुई थी, तो अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी। फिर ये रहता है कि आज डस्टिंग कर लूँ, कॉलिन तो था नहीं मेरे पास, नहीं तो कॉलिन से साफ करती, तो अभी वो ये राशन लाऊँगी तो कॉलिन लाऊँगी। तो बस यहाँ पर डस्टिंग वगैरह हो गई है, और इसके बाद अब लगा लूँगी मैं पोछा। और इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।